सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी घर पर सही और सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शालिनी श्रीवास्तव आज आपको कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का पाठ 9 सबसे बढ़कर, जो एक कविता है, इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने हमारे अंगों का की तुलना जो है वो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं से किस प्रकार की है, चलिए देखते हैं। आलपिन के सिर होता पर बाल ना होता उसके एक, कुर्सी की दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक, कंघी के है दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना, गला सुराही का पतला है किंतु न गा सकती गाना। बच्चों, मैं आपको इस कविता के जरिए हमारे जो दिनचर्या में यूज़ होने वाले, हमारे दिनचर्या में जो प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे आलपिन हम सभी लोग यूज़ करते हैं, तो आलपिन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सिर कहा जाता है। तो आलपिन के सिर होता है पर बाल ना होता उसके एक, यहाँ बताया गया है कि जैसे हमारे सर पर बाल होते हैं वैसे ही जो यहाँ पे कविता जिन्होंने कविता लिखी है वो कवि ये बता रहे हैं कि आलपिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके सिर तो होता है लेकिन बाल नहीं होता है। यहाँ हमारे सिर और आलपिन के सिर को जो है एक दूसरे से तुलना की गई है। कुर्सी की दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक, जिस तरह से हमारी दो बाहें यानी हमारे दो हाथ होते हैं और हम कोई भी कार्य उन हाथों की सहायता से कर सकते हैं, उसी तरह से कुर्सी की भी दो बाहें होती हैं। अगल बगल जो हाथ बने होते हैं ना, हत्था बना होता है, उन्हें दो बाहें बताया गया है। लेकिन ये भी बताया गया है कि दो बाहें होने के बावजूद वो गेंद नहीं फेंक सकती है हमारी तरह। फिर कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना, यहाँ बताया गया, देखिए कंघी, कंघी जो होती है बाल झाड़ने वाला कोम्ब, आप जानते हैं ना, उसके दांत होते हैं, यानी जो देखिए चित्र में बना हुआ है उसे दांत कहते हैं, लेकिन वो खाना नहीं चबा सकती है। हमारे दांत होते हैं तो हम खाना खा लेते हैं, हम अपने दांतों के जरिए काफ़ी काम कर लेते हैं ना, तो खाना खाने चबाने का काम जो है दांतों के ज़रिए होता है, लेकिन कंघी ऐसा काम नहीं कर सकती। गला सुराही का पतला है किंतु न गा सकती गाना, सुराही का गला पतला होता है लेकिन वो गाना नहीं गा सकती है। कहा जाता है ना कि किसी का गला अगर पतला होता है, अच्छा होता है, तो वो अच्छे से गाना गाता है, लेकिन सुराही एक वस्तु है जिसमें पानी भरते हैं, उसका गला जो है पतला होता है लेकिन वो गाना कभी भी नहीं गाती है। होता है मुँह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता घड़ा, घड़ा जिसमें हम पानी भरते हैं बेटा, पहले के ज़माने में जब फ्रिज नहीं होती थी तो घड़े का प्रयोग किया जाता था पानी को ठंडा करने के लिए। उसका गला जो होता है वो बड़ा होता है, मुँह बड़ा होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता है। जैसे हमारा मुंह बड़ा है तो हम बोल लेते हैं, छोटा भी मुंह होगा तो भी हम बोल लेंगे, लेकिन घड़ा एक ऐसी वस्तु है जिसका मुंह बड़ा होता है लेकिन वह बोल नहीं पाता क्योंकि वो निर्जीव है। चार पैर पलंग के होते पर वह डोल नहीं सकता, पलंग यानी कि जैसे बेड है, बेड के चार पैर होते हैं बच्चों, लेकिन वो डोल नहीं सकता, यहाँ से वहाँ नहीं चल सकता, जब तक हम उसे नहीं खिसकाएंगे तब तक वो यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगा। इसी तरह से और हमारे हमारे या पशुओं के चार पैर होते हैं, हमारे दो पैर होते हैं, पशुओं के चार पैर होते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ऐसा काम पलंग नहीं करता है। जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है, जूता, जूता आपने देखा होगा उसमें एक पार्ट निकला रहता है जिसे आप एडजस्ट करते हैं अपने पैरों पर और फिर उसके बाद आप फीते को बांधते हैं तो उसे जीभ कहते हैं। तो जूते के जीभ है मगर वह स्वाद नहीं चख सकती, हमारी जीभ क्या करती है, सभी प्रकार के स्वाद को चख लेती है ना, लेकिन जूते की जो जीभ होती है वो स्वाद नहीं चख पाती है। आइए आगे देखते हैं। आँखें होते हुए नारियल देख नहीं कुछ सकता है मनुष्य के पास सभी कुछ ले सकता सबसे काम, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। आँखें होते हुए भी नारियल, नारियल आपने देखा होगा तो जब आप उसे छीलते हैं तो उसमें आपने देखा होगा 3 ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, काले काले रंग के, उसे बताया जाता है नारियल की आँख होती है जिसे हम फोड़ करके तोड़ करके वहाँ से पानी निकालते हैं। तो आँखें होते हुए भी यहाँ बताया गया कि नारियल की आँखें होती हैं लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता है,
हम अपनी आंखों से देखने का काम करते हैं, लेकिन नारियल क्या करता है, वो कहीं भी कुछ भी देख नहीं सकता है। है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता सबसे काम। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, आँख, दांत, मुंह, गला और सारी चीज़ें होती हैं, और वो सबसे काम ले सकता है, सबकी सहायता से वो वर्क करता है। तो यहाँ यही यहाँ बताया गया है कि मनुष्य के पास सभी कुछ है और वो सबसे काम ले सकता है, इसीलिए दुनिया में किसका नाम सबसे ऊपर है, मनुष्य का नाम, मनुष्य को ही सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी मनुष्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये रमापति शुक्ल जो इसके कवि हैं, उन्होंने हमारे अंगों की तुलना वस्तुओं से की है कि हम अपने अंगों से कार्य लेते हैं, लेकिन वस्तु क्या होती है, वस्तु ऐसा कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।